पवित्र आत्मा होगा, मेरा सादर चरणम चरणम चरण। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश भारत की रहने वाली हूँ। आज मैं विश्व के सभी विद्यार्थियों को P3Y से लाभ लेने की प्रेरणा देने जा रही हूँ। टेंथ के बाद जब बच्चे प्लस टू में होते हैं तो प्लस टू के बाद उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो अपने करियर को निश्चित नहीं कर पाते हैं, असमंजस में खोए रहते हैं, तो बहुत परेशानी होती है कि मैं अपने जीवन में कौन सा विषय का चयन करूं जिससे मेरा जीवन सुखी हो, मेरे परिवार के लोग सुखी हों, तो उसे समझ में नहीं आता कि कौन से विषय का चयन करें। अगर ऐसी परेशानी हो किसी को तो P3Y से आप लाभ ले सकते हैं। P3Y जो परम जी की सुप्रीम पावर की सुप्रीम विद्या है, क्योंकि परम जी कौन है, ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर है। उन्होंने टेक्निक दी है P3Y। पी तीन बार है, पहला पी परम जी ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर, और दूसरा पी पपर 11 वाक्यों की एक टेक्निक है जिससे काम बनती है, भौतिक क्षेत्र में लाभ होता है। तीसरा पी परम वाई से योग, परम योग, जिससे आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ होते हैं, मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है, IQ बढ़ता है, बौद्धिक और स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लाभ की विद्या है P3Y। इससे आप कैसे लाभ लें? सबसे पहले जब भी आपको ऐसी परेशानी हो तो सबसे पहले परम जी को सुबह उठकर नमस्कार करें। कैसे करें? वीडियो में परम जी का चित्र दिया होगा, उसको अपने फोन पर उतार लें और प्रातः उठकर परम जी को नमस्कार करें और परम जी से मांगे जो भी आपकी परेशानी है। कैसे मांगे? P2 पपर के 11 वाक्यों से। पपर के 11 वाक्य ये हैं, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। ये परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती। मैंने प्लस टू तक की शिक्षा पूर्ण की है, अब मैं आगे अपना ध्यान जारी रखना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कौन से विषय का चयन करूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। जो
भी विषय लेकर के मैं पढ़ाई करूं, मेरा उसमें मन लगे, मेरे विषय के लिए लाभदायक हो, मेरे और परिवार के लिए सुखदायी हो, तो ऐसा विषय मुझे मिले, ऐसे विषय का चयन आप करें। इच्छा पूर्ण होते ही अकर्म मैं 100 रुपये परम जी को दूंगा या दूंगी, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीतरी वायु सिखाऊंगी। ये आपने परम जी से मांगा, अब आप निश्चिंत रहें, तो आपको समय के अनुसार शीघ्र ही आपको गाइडेंस मिलेगी और आपके लिए जो उचित होगा वो विषय आप को उसकी गाइडेंस मिलेगी और आपके आपकी उसमें रुचि बढ़ेगी और आप उसमें सफल होंगे। इस तरह से आप परम जी से बता करके अपनी परेशानी अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। अब देखिए, जब तक आप को आवश्यकता है तब तक आपका काम हो जाएगा और आपको उचित गाइडेंस मिल जाएगा। आपने अपना काम परम जी पर छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी परम जी पर छोड़ दी, अब परम जी का काम है। तो जब आपका काम हो जाए आपके रुचि अनुसार और आपके लाभ के अनुसार आपको विषय की जानकारी मिलती है, तो परम जी का धन्यवाद करें। कैसे करें? परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मुझे वही विषय चयन में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। भविष्य में जो भी आपकी गाइडेंस होगी, आपका मार्गदर्शन होगा, मैं उसका पालन करूंगा, उस पर चलता रहूंगा, मैं चलती रहूंगी। तो पकड़ के 100 रुपये परम जी को शीघ्र दूंगी, पकड़ के 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से भीतरी बैच खाऊंगी। इस तरह आप मांग सकते हैं। परम जी क्योंकि सुप्रीम पावर हैं और उनसे जो आप मांगेंगे वो आपको अवश्य ही मिलेगा। आपने मांगना है अपनी सोच समझ के अनुसार, जिससे किसी को नुकसान ना हो और आपका फायदा हो, आपके परिवार का भी फायदा हो, जो राष्ट्र के और विश्व के काम भी आ सके, ऐसा मांगना है आपने, तो बड़े से बड़ी ही चीज़ मांगनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ क्यों मांगे? हम अपना जीवन सफल करें तो ऐसी चीज़ मांगे कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, हमें उत्साह रहे, हमारा मन प्रफुल्लित रहे, हमारा जो जीवन है मानव जीवन, ये सफलता की ओर बढ़े। तो ऐसी विद्या हम प्राप्त करें कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या असमय वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। तो विद्या का जो असली अर्थ है हमें समझ में आ जाए और इससे हम सबका कल्याण कर सकें और औरों का भी मार्गदर्शन कर सकें। चरणम चरणम।